हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने SBI बैंक का नया क्रेडिट कार्ड बनाया है तो आपने उसका ऑनलाइन पेन जनरेट कैसे करना है विदाउट आप ATM बैंक में जाए बिना। तो आप जो ऑनलाइन ही कर सकते हैं, और आपने साथ में जो उसकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कैसे कर सकते हैं उसको भी आपको अलग से इनेबल करना पड़ता है। सो अगर आपने कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करवानी है तो उसको सबसे पहले आपको इनेबल करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को, वो भी आपको बताएंगे कैसे करना है आपने। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर में आएंगे। सो प्ले स्टोर में आने के बाद SBI कार्ड फिल करने के बाद जहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को, सो इंस्टॉल करने के बाद जहाँ से इसको ओपन करने के बाद साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना क्रेडिट कार्ड नंबर फिल करना है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और उसका जो साथ में ऑप्शन आ रहा है बेल आइकन का उसको ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे हम जो भी नई अपडेट लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो सबसे पहले आपने यहाँ से कार्ड नंबर फिल करना है। सो कार्ड नंबर फिल करने के बाद नीचे आप CVV नंबर फिल करेंगे, ये आपकी क्रेडिट कार्ड के बैक साइड लिखा हुआ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद नीचे आएंगे, जनरेट ODP भी क्लिक करेंगे। सो आपके मोबाइल के ऊपर एक ODP आएगा, उसको आपने यहाँ पे फिल करना है। सो उसके बाद जहाँ से करेंगे इसको कंटिन्यू। सो कंटिन्यू करने के बाद न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, क्योंकि पहले मैंने इसका अकाउंट बना रखे इसलिए ये न्यू पासवर्ड का बोल रहा है। सो अगर आपने अभी अकाउंट नहीं बनाया तो आगे आपके पास ऑप्शन आएगी यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए, और आपको एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। सो आपने एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपने पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। सो उसके बाद क्रिएट करने के बाद इसको आप दोबारा से लॉगिन करेंगे। सो लॉगिन करने के लिए प्रोसीड टू लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो अपना यूज़र नेम बनाया है उसको यहाँ से फिल करेंगे, उसके बाद नीचे पासवर्ड फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा लॉगिन करने के बाद, आपने अपना सिम का नंबर यहाँ पे फिल करना है, कौन से सिम में आपका नंबर डाला हुआ है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपनी सिम, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका ये नंबर वेरिफिकेशन पे हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन कर लेगा। SMS सेंट फ्रॉम श्योर फोन, उसके बाद ये SMS वैलिडेशन इन प्रोग्रेस अभी है, उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से आपकी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको आपने यहाँ पे फिल करना है। सो उसके बाद नीचे इसको आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसको आप कट करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एंटर MPIN डालेंगे, आपने कोई सा भी अपना एक पिन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो आपका MPIN है हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली हो गया है, उसके बाद इसको करेंगे ओके। टू रीसेट यूअर MPIN गो टू यूअर ऐप सेटिंग, अगर आपने इसको दोबारा से फॉरगेट दोबारा से इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी सेटिंग में जाकर इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ से ओके करेंगे। सो ओके करने के बाद नीचे आएंगे टर्म ऑफ सर्विस, जिसको आप रीड कर लेंगे। सो रीड करने के बाद इसको आप करेंगे एक्सेप्ट पे क्लिक, उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। सो उसके बाद यहाँ से एंटर 4-डिजिट पिन, जो आप अपना पिन सिलेक्ट करना चाहते हैं जहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये पिन वही होगा जो आपने जैसे आप ATM बैंक में जाएंगे कहीं पे भी आपने जो पैसे निकालने होते हैं, सॉरी इसमें भूल कर भी अपने ATM से अपने पैसे नहीं निकलवाने हैं क्योंकि उसका अलग से इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है। सो आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट करनी है, जे पिन डाल के आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे। सो यहाँ से आपने एक पिन अपना जनरेट कर लेना है, सेम अपना पिन नीचे फिल करेंगे, उसके बाद जनरेट ODP पे क्लिक करेंगे, एक आपके मोबाइल नंबर पे ODP आएगा, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और नीचे आप वही नंबर डाल देंगे। उसके बाद सेट पेन पे क्लिक करेंगे, जो आपका पेन है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। सो उसके बाद आप नीचे यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। सो नेक्स्ट करने के बाद आप जहाँ से देख सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो आप जो भी अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उसको आप करेंगे इसको ऑन,
और नीचे आप एटीएम ट्रांजैक्शन को भी ऑन कर सकते हैं। जैसे आप इसको करेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ऑन और एटीएम ट्रांजैक्शन को भी ऑन कर लेंगे। जो भी आप ट्रांजैक्शन ऑन करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं और कन्फर्म विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सो उसके बाद आप यहां से नीचे कन्फर्म विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सो उसके बाद एक और ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, यहाँ पर आपने फिल करना है। इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद यहीं से इसको सबमिट कर देंगे। सो सबमिट करने के बाद आपका जो अपडेट सक्सेसफुल हो गया है, जो है सक्सेसफुली अपडेटेड ट्रांजैक्शन यूजेस फॉर एसबीआई क्रेडिट कार्ड, और इस नीचे इसको करेंगे नेक्स्ट के। सो नेक्स्ट करने के बाद यहां से आप देख सकते हैं आपका कार्ड टाइप आ गया सिंपली सेव कार्ड है, और एनुअल फीस आपकी 499 है, और जो क्रेडिट लिमिट यहाँ से आप देख सकते हैं अपने कार्ड की 73,000 यहाँ से आ रखी है। सो उसके बाद कार्ड बेनिफिट आप जहाँ से देख सकते हैं, पेमेंट ऑप्शन जहाँ से आप देख सकते हैं, जो नो ऐप से भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं और पे वाई यूपीआई से भी कर सकते हैं। उसके बाद आई एक्नॉलेज पे आप क्लिक करेंगे। सो उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे अकाउंट समरी पे क्लिक करेंगे। सो उसके बाद ये पूछेगा अनेबल टच आईडी और अपना फिंगरप्रिंट आप अनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, तो नहीं जिसको आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। तो ये तो आप बाद में भी कर सकते हैं अगर आपने इनेबल करना है अपने फेस को, जहाँ अपन फिंगर आईडी को भी आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। इसको आप करेंगे ओके। सो ओके करने के बाद यहाँ से इसको एक बार रीड करेंगे। सो रीड करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपली कार्ड आपका यहाँ पे लिमिट दे रखी है, टोटल क्रेडिट कार्ड लिमिट आ रखी है। सो लिमिट आपने जो यूज़ की है यहाँ पे आ जाएगी, और मिनिमम अमाउंट ड्यू, ठीक है, ये सभी कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं। पे इन ईएमआई, और अगर आपने जो भी मतलब कि मनी खर्च की है यहाँ से आप उसको ईएमआई में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप उसके भी लोन वगैरह भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा। जहाँ से आप पे पे क्लिक करेंगे, पे पे क्लिक करने के बाद इसको आप स्कैन टू पे पे क्लिक करेंगे। सो अगर आप बारकोड स्कैन करके आप पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अभी आपने जी नया कार्ड एक्टिवेट किया है तो इसको कम से कम 24 घंटे से लगते हैं। सो 24 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है पे इन ईएमआई, आप ईएमआई से भी पे कर सकते हैं, और उसके साथ बेल पे भी यहाँ से आप कर सकते हैं। और सर्विस में आप आएंगे, सर्विस में आप देख सकते हैं मैनेज कार्ड पिन यहां से कर सकते हैं, अगर आपने पिन अपना चेंज करना है तो यहां से कर सकते हैं। ब्लॉक कार्ड, अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है जहां से आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, उसको कार्ड रीइशू करवा सकते हैं। ई स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन हो गया, मैनेज कार्ड यूसेज हो गया हुआ, और यहाँ से आप एड ऑन कार्ड भी यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास सभी यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं। फीस एंड चार्जेस भी यहाँ से आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर ने आपको बता रखी है। सो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है। सो अगर आपके एक्टिवेट करने में क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं। सो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया हुआ है, सो वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो साथ में बेल आइकन आ रहा है उसको ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे हम जो भी नई अपडेट लेकर आएँ उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो और छोटी सी रिक्वेस्ट और है, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं 900 हो गए हैं और 1000 होने ही वाले हैं, 100 कम है। सो प्लीज़ कृपा करके इसको भी आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें। ओके, थैंक यू गाइस।